तो सबसे पहले मैं कबूतरों को बाहर निकाल देता हूँ। ये सारे सुबह से ही बंद हैं, तंग हो रहे होंगे काफ़ी। आ जाओ भाई बाहर, जाओ जाओ जाओ। देखिए फ़ौरन भाग रहे हैं बाहर, इनको भी पता होता है कि इस टाइम हमारा दरवाज़ा खुलना है और हमने बाहर जाना है। जाओ 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 जाओ, कहाँ उड़ रहे हो, जाओ बाहर जाओ ना यार, क्या तंग कर रहे हो, जल्दी जाओ यार। हमारी घास की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, देखें अब फैल रहा है हर तरफ। ये जो एरिया ना, यहाँ पर हमारे पाँव की वजह से, जहाँ हम चलते रहते थे ना, इस वजह से यहाँ पर घास नहीं हो सका। जहाँ पर हम चलते नहीं है ना, वहाँ पर घास देखें काफ़ी अच्छा हो रहा है, और यहाँ पर भी घास हो रहा है, पर यहाँ का सारा घास सड़ गया है। देखें कुछ है कुछ नहीं है, पता नहीं इसकी क्या वजह हो, ये सड़ क्यों गया है। तो ये हमें दोबारा लगवाना पड़ेगा, यहाँ पर भी घास लगवाना पड़ेगा और कुछ उस हिस्से में लगाना पड़ेगा। तो यार अभी मैं खरबूज़ा लेके आया हूँ, फिर तोतों को खरबूज़ा देंगे और इसके बीज भी देंगे, क्योंकि तोते अक्सर बीज खाते हैं, उन्हें मज़ा आता है खाने में। तो इनकी ये ट्रे में डाल के देते हैं काट के ना इसको। ये लोग बड़े शौक से खाएंगे, एक तो गर्मी बहुत है ना, इनके लिए कुछ ऐसे यानी ठंडे वाले फ्रूट्स होने चाहिए जो इनको ठंडा करे, तो ये अच्छा है इनके लिए। यार अभी मैं टेम वाले बजी को जो है ना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये खा ही नहीं रहा, नहीं खाने रहा। बड़े दिन हो गए ना इसको मेरे हाथ पे, और देखो मेरे पास भी नहीं आ रहा, भाग रहा है मुझसे। यार ये कुछ खरबूजे बच गए थे तो ये मुर्गियों को डाल देते हैं, मुर्गियाँ भी बड़े शौक से खाती हैं फ्रूट्स वगैरह, तो इनको भी डाल देते हैं। तो शुरू हो गए खाना, तो ज़रा जल्दी डालो। देखें फौरन पीछे पीछे जा रही हैं उसके, चूज़े आ गए हैं खाने के लिए और उनकी माँ भी साथ में है। तो कबूतरों को जो है इसमें भी पानी डाल दूँगा ताकि ये लोग नहा लें, मुझे इनका मूड नहाने वाला लग रहा है, इसलिए मैं ये भर देता हूँ ताकि ये लोग इसमें अच्छे से नहाएं। तो अभी इनके लिए बाजरा और रोटी थोड़ी सी लाए हैं, तो इनको ये डाल देते हैं। भूखे लग रहे हैं मुझे, क्योंकि तब से पता नहीं घास में कुछ चुग रहे हैं, तो अभी भूख लग रही है मुझे, तो इनको मैं डाल देता हूँ ये। थोड़ा सा डाल के चेक करते हैं। हाँ यार भूखे हैं, देखो सब खाना शुरू हो गए हैं। तो ये डाल दो इनको, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर छाँव में। मैं तब तक जो है रोटियाँ छोटी छोटी तोड़ लेता हूँ, थोड़ी ये है और थोड़ी उधर रखी है, और तो मैं ये रोटियाँ तोड़ लेता हूँ जल्दी से इनके लिए, ये रोटियाँ बहुत शौक से खाते हैं। मैं इनका पानी चेंज कर देता हूँ जल्दी से, क्योंकि पानी इनका गंदा हुआ हुआ है। और यार ये कबूतर, अच्छा ये तो तुमने खोला है, क्यों खोला इसे? अच्छा ये ना चकोर के साथ दोस्ती लगा के बैठ जाए। यार मैंने अभी पानी रखा है और ये सारे भाग के आ गए हैं पानी पीने के लिए, वो भी अंदर वाले भी आ रहे हैं। आया मोटू, आया मोटू, गया मोटू, नहीं आ रहा अभी। अभी देखते हैं नहाते हैं इसमें कि नहीं, गर्मी तो बहुत है। मोटू जो है ना वो अपनी बेगम के लिए आया, उसकी बेगम बाहर आई है, फौरन वो भी बाहर आ गया। मुझे लगा कि वो दाना खाने के लिए आया, बड़ी स्पीड में, मुझे लगा भूखा है। मैं खुद यही बेगम बाहर बैठी है, फौरन उसके पीछे भागा है। मैं भी यही सोचा था। यार अभी जो है मैं मुर्गियों के खाने में आया हूँ, और यहाँ पर दो दो गुड न्यूज़ है। एक तो ये कि हमारी गाइस दो दो मुर्गियाँ यहाँ पर कुड़क हो चुकी हैं। एक तो ये वाली है देखें, ये फुल कुड़क हो गई है, इसके नीचे को अंडे तो नहीं, नहीं अंडे नहीं है, पर फिर भी ये बैठी हुई है। और दूसरी जो है हमारी मुर्गी जो बेंटम है ना ग्रे वाली, ये देखें गाइस, ये भी माशाल्लाह से कुड़क हो गई है, इसके नीचे भी कोई अंडा नहीं है पर ये भी कुड़क हो गई है। तो अब बस हमें जो है अंडों का इंतज़ाम करना है। हमारे पास अपनी मुर्गियों के कम अंडे हैं, कुछ इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो अंडों का बंदोबस्त करेंगे, तो इंशाल्लाह इनको जल्द से जल्द दोनों को बिठाएंगे अंडों पे। यहाँ पर नहीं बिठाएंगे, क्या कहता है? मैं सोच रहा हूँ कि वो वाला जो पिंजरा है ना उसके अंदर रख के ना, और मुर्गियों कबूतरों की जगह पर बिठाएं। हाँ बीच में वो खाना लग जाएगा ना, इस तरह को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मुर्गियाँ तंग करती हैं, इन्हें बच्चे नहीं निकालने देती, उनके अंडों में जाके अपने अंडे दे देती हैं,
या कोई और गड़बड़ करती है इस वजह से। यार हमारा ये वाला कबूतर जो है थोड़ा बीमार है, ढीला ढीला हो गया। इसको थोड़ी मेडिसिन देंगे और इसको जो है कुछ दिन अलग रखेंगे यहाँ पर, ये वाले केज में। इसको थोड़ा बाहर घूमने देंगे और इसको जो है इसमें रख देंगे। और इसके लिए मैं अभी दाना पानी यहाँ पर रख देता हूँ। ये देखिए ना, ढीला सा हुआ हुआ है। तो यार अभी एक काम करना है हमें, ये वाला केज है इसको भी हम फौरन पेंट करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से ये लकड़ी भी ख़राब होने वाली है, बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। देखिए ना, ये सारी लकड़ी है, इसको भी इसी तरह का सेम रेड पेंट कर देते हैं। अभी फौरन इस पर लग जाते हैं, पहले इसको पेंट कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। तो गाइस फाइनली सारा रंग हो चुका है, काफ़ी मेहनत लगी है इसको, क्योंकि मुश्किल बहुत था, क्योंकि जाली लगी हुई है ना। तो अब देखें कैसा लग रहा है, अब बिल्कुल जो है ना मैच हो गया दोनों के साथ। असली मेहनत मेरी थी, क्योंकि मैं अंदर गया था, तुम तो बस बाहर बाहर से कर रहे हो। गाइस यार एक बड़ा फनी सीन हुआ था कि इतने से दरवाजे से ये इतना बड़ा सांड अंदर गया है और बहुत ही मुश्किल से इसको निकाला। इसने ये जाली भी देखी ना, यहाँ से जाली भी तोड़ दी है। तो अब इसका हमें कुछ हल करना पड़ेगा, वरना इनको बिल्ली ले जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो ये तक थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें वीडियो को। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक भी कर देना।